मौसम विभाग ने दिल्ली में आज हल्की बारिश की संभावना जताई। दिल्ली में कल दिन भर बादल छाए रहे, आज हल्की बारिश के साथ न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास रह सकता है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी भी हो सकती है। बारिश और भारी बर्फबारी को लेकर प्रशासन ने प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया। एम्स में आने वाले मरीज वहां के स्टाफ के सदस्यों के बुरे बर्ताव की वजह से काफी परेशान होते हैं, बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के फीडबैक सर्वे में सामने आई। मेरा अस्पताल नाम का सर्वे बीते साल अक्टूबर के दिसंबर के बीच एम्स में आए 46,000 मरीजों पर किया गया। इनमें से 22% ने एम्स कर्मचारियों के बर्ताव से परेशानी की बात मानी। दिल्ली के नगरी में लूट की शिकार हुई लड़की ने दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े किए। लड़की का कहना है कि पुलिस ने मामले की जांच के बाद केवल मोबाइल चोरी का केस दर्ज किया। तीन फरवरी को सुबह 4 बजे लड़की कैब का इंतजार कर रही थी, अचानक दो लड़के वहां पहुंचे, चाकू दिखाकर पहले मोबाइल छीना, छेड़छाड़ और अगवा करने की कोशिश भी की। लड़की ने शोर मचाया तो दोनों बदमाश भाग गए। पीड़ित ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मदद की गुहार लगाई। अमेरिकी दबाव में हो रही कार्रवाई से घबराकर आतंकी हाफिज सईद ने अपने आतंकी संगठन जमात उद दावा का नाम बदल दिया। हाफिज सईद ने जमात उद दावा का नाम बदलकर तहरीक आजादी जम्मू एंड कश्मीर रखा है। पिछले कुछ दिनों से आतंकी हाफिज सईद और उसके संगठन जमात उद दावा के खिलाफ पाकिस्तान सरकार कार्रवाई कर रही है। हाफिज को नजरबंद किया गया है, उसके देश छोड़कर जाने पर पाबंदी लगा दी गई, जिसके बाद उसने अपने संगठन का नाम बदल दिया। हाफिज के दो संगठन जमात उद दावा और फलह इंसानियत फाउंडेशन अब तहरीक आजादी जम्मू एंड कश्मीर के नाम से अपने खतरनाक मनसूबों के अंजाम देने में लगे। 5 फरवरी को पाकिस्तान में मनाए जाने वाले कश्मीर डे पर तहरीक आजादी जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से शाम को लाहौर में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। लाहौर सहित देश के दूसरे शहरों में इसके पोस्टर्स भी लगे। दिल्ली में 28 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ दो विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। नारकोटिक्स ब्यूरो ने 4 किलो कोकीन के साथ दो अफ्रीकी महिलाओं को पकड़ा। इन्हें दिल्ली एयरपोर्ट के पास एक होटल से पकड़ा गया। ब्राजील से इथियोपिया के रास्ते ड्रग्स को दिल्ली लाया गया था। शीना बोरा मर्डर केस में 23 फरवरी से सरकारी वकील अपने गवाहों की पेशी शुरू करेगा। कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि वो अपने गवाहों की लिस्ट बचाव पक्ष के वकील को सौंप दे। शीना बोरा की हत्या 24 अप्रैल 2012 को हुई थी। शवन हत्याकांड में आरोपियों की तलाश में जुटी लखनऊ पुलिस ने शनिवार को भारी पुलिस बल के साथ जिला कारागार में छापा मारा। कहा जा रहा है कि पुलिस ने मुख्तार अंसारी के बैरक की भी तलाशी ली। दरअसल 1 फरवरी को बाइक सवार हमलावरों ने श्रवण कुमार के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी। पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई, जिसके बाद से आदतगंज थाने के इंस्पेक्टर के साथ चौकी इंचार्ज और सिपाही को सस्पेंड किया गया। मुंबई के जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर बाइक पर दो सवार दो लड़कियों में से एक की बस चपेट में आने से मौत हो गई। दोनों स्कूटी पर सवार होकर जा रही थी, लेकिन रास्ते में स्कूटी फिसल गई। पीछे बैठी लड़की बस के नीचे आ गई। नोएडा में 37 अरब की ठगी के मामले में एसटीएफ को विदेशों से शिकायतें मिल रही हैं। नाइजीरिया और मस्कट से भी एसटीएफ को शिकायतें मिल रही हैं। एसटीएफ को अब तक मेल के जरिए 250 शिकायतें मिल चुकी हैं। कंपनी की जांच के लिए एसटीएफ की 10 टीमें गठित की गई हैं। कहा जा रहा है कि एसटीएफ एसएसपी अमित पाठक, एसटीएफ एसपी डॉक्टर त्रिवेणी सहित एसटीएफ के तमाम अधिकारी नोएडा में रहकर कंपनी की जालसाजी की जांच करेंगे। इनकम टैक्स, ईडी और अन्य जांच एजेंसियों को एसटीएफ अभी तक की जांच रिपोर्ट देगी। फिलहाल कंपनी और बैंक खातों की जांच शुरू हो गई है। कंपनी के साथ मिले हुए बैंक कर्मियों पर भी जल्द कार्रवाई होगी। अभिनव मित्तल और उसके दोनों साथियों को भी एसटीएफ रिमांड पर लेगी। पटना यूनिवर्सिटी के नूतन हॉस्टल में बम बनाने के दौरान ब्लास्ट होने से कई छात्र घायल हो गए। कहा जा रहा है कि हॉस्टल में बम बांधा जा रहा था, उसी दौरान ब्लास्ट हो गया, जिसमें कई छात्र घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं इलाज के लिए हॉस्टल के कुछ छात्र पास के मेडिकल शॉप पहुंचे, जहां दुकानदार से उनकी झड़प हो गई, जिसके बाद छात्रों ने वहां भी देसी बस में हमला किया।
छात्र इसके बाद हॉस्पिटल में इलाज के लिए डॉक्टर्स पर जबरन दबाव बनाने लगे। इसके बाद पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद घायल छात्रों समेत 10 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसके बाद पुलिस ने नूतन हॉस्टल में भी छापेमारी की। दरभंगा में पासपोर्ट को लेकर फर्जीवाड़ा मामले में पुलिस ने आवेदक समेत कटासा पंचायत के उप मुखिया को गिरफ्तार किया, जबकि मुखिया की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही। आरोपों के मुताबिक मुखिया और उपमुखिया दूसरे थाना के युवक का फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाना चाह रहे थे। दोनों ने अपने लेटर पैड पर उसे अपनी पंचायत का निवासी बताकर उसके स्वच्छ चरित्र का सत्यापन भी कर दिया। पासपोर्ट के सत्यापन को लेकर आवेदन को सिंहवाड़ा थाना भेजा गया तो पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो सारी सच्चाई सामने आ गई, जिसके बाद पुलिस ने आवेदक और उप मुखिया को गिरफ्तार किया, जबकि मुखिया की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हरदा में दो गुटों के बीच हुए बवाल के बाद स्थिति सामान्य करने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांति बनाने की अपील की। दरअसल शहर में छात्रा की आत्महत्या के बाद दो गुटों में विवाद हो गया था और इसके बाद शुक्रवार को एक गुट ने पुलिस पर पथराव किया था। हालत पर काबू पाने के लिए पड़ोसी जिले से भी पुलिस बल को बुलाया गया। शनिवार को पुलिस ने शांति फ्लैग मार्च निकाला और शांति बनाने की अपील की। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरभंगा में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 12 चोरों को गिरफ्तार किया, साथ ही चोरी के 10 बाइक्स भी बरामद किए। एएसपी दिलनवाज अहमद ने भी बताया है बाइक चोर गिरोह नशे की दवा खरीदने के लिए दरभंगा से बाइक चोरी कर मधुबनी के रास्ते नेपाल ले जाकर बेचते थे और नशे की दवाइयों की खरीदारी करते थे। गुना जिले के म्याना उप स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी के आंकड़ों को बढ़ाने के चक्कर में एक गर्भवती महिला की ही नसबंदी करने का मामला सामने आया। मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला के पेट में दर्द होना शुरू हुआ। इसके बाद महिला की सोनोग्राफी कराई गई। सोनोग्राफी रिपोर्ट में महिला के पेट में लगभग 3 महीने का गर्भ बताया गया, जबकि महिला की 2 महीने पहले म्याना में लगाए गए नसबंदी शिविर में नसबंदी की गई। एमपी के डिडोरी जिले में जिला अस्पताल की संवेदनहीनता का मामला सामने आया। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र के खरहना गांव का है, जहां जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की बेरहमी के चलते एक बाप को अपने बेटी के शव को हाथ में लेकर पैदल ले जाने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल खरहना गांव में बेकाबू ट्रक ने 9 साल की मासूम को कुचल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। मासूम के शव को पोस्टमार्टम करवाने के लिए जिला अस्पताल लाया गया था। आर्थिक तंगी से बदहाल पिता अपनी बेटी के शव को ले जाने के लिए शव वाहन की मांग करता रहा, लेकिन जिला अस्पताल प्रबंधन ने शव वाहन नहीं उपलब्ध करवाया, जिसके चलते मजबूर पिता अपनी बेटी के शव को हाथ में उठाकर उसे ले जाना पड़ा। हालांकि लोगों ने शर्मसार होता देख कलेक्टर अमित तोवर को सूचना दी। अस्पताल चौकी के प्रधान आरक्षक अशोक सैन्य संवेदना को का परिचय दिया। वाहन की व्यवस्था होने तक परिजनों को शव हाथ में ले जाने से रोक लिया। कलेक्टर के निर्देश पर मौके पर अधिकारी पहुंचे, तब कहीं शव वाहन बुलाकर शव को रवाना किया गया। ग्वालियर के एक महिला की दिल्ली में स्वाइन फ्लू से मौत के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। सीएमएचओ डॉक्टर पीएस जादव ने स्वाइन फ्लू से मौत की पुष्टि की। ग्वालियर के 7 नंबर चौराहा की रहने वाली मालती सिंगल को 23 जनवरी को ग्वालियर के बिरला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उसे दिल्ली रेफर किया। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में मालती का इलाज चल रहा था। शुक्रवार रात मालती की स्वाइन फ्लू से मौत हुई। इधर सीएमएचओ ने मृतक के घर में दवा बांटकर पूरे इलाके में अलर्ट घोषित किया। भिंड में झोला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ, स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर में स्वामी स्वरूपानंद महाराज क्लिनिक पर छापेमारी कर कार्रवाई की। टीम ने क्लिनिक को सील कर जांच शुरू की। झोला छाप डॉक्टर को नोटिस भेजा गया। पिछले कुछ समय से इलाके में अवैध क्लिनिक और झोला छाप डॉक्टर्स की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दबिश देकर अवैध क्लिनिक पर छापेमारी की कार्रवाई की। गुना की चाचोड़ा तहसील में रेत माफिया पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। चाचोड़ा तहसील एसडीएम की अगुवाई में प्रशासन ने पार्वती नदी में चल रहे अवैध खनन पर रोक लगाई।
प्रशासन की टीम ने मौके से खनन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लाखों रुपए के औजार जब्त किए, साथ ही रेत से भरे हुए 3 ट्रैक्टर्स भी अपने कब्जे में लिए। पार्वती नदी से लंबे समय से अवैध उत्खनन किया जा रहा था, सीएम शिवराज सिंह के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद गुना जिला प्रशासन भी हरकत में आया। सतना में ताबड़तोड़ कार्रवाई से खनिज माफियाओं में हड़कंप मचा है। खनिज माफियाओं पर नकेल कसने के लिए जिले में खनिज, राजस्व, वन और पुलिस विभाग की साझा टीम गठित की गई है। टीम ने अब तक जिले में 30 जंपर को जब्त कर लिया, 2 स्टोन क्रशर को भी सीज करने की कार्रवाई की है। जिले में लंबे समय से अवैध उत्खनन, ओवरलोडिंग, अवैध खनिज का परिवहन और अवैध भंडारण की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर सतना कलेक्टर ने संबंधित विभागों की एक साझा टीम गठित की, जो ऐसे अवैध कारोबार पर लगातार छापा मारकर कार्रवाई कर रही है। एमपी में अवैध खनन पर पुलिस की कार्रवाई का विरोध शुरू हुआ। जबलपुर लोकल ट्रक एसोसिएशन के बैनर तले सभी डंपर चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। डंपर चालकों का आरोप कि प्रशासन अपनी पीठ थपथपाने के लिए वैध तरीके से ये कार्रवाई कर रहा है। हड़ताल पर गए ड्राइवर्स का कहना है कि उनके पास रॉयल्टी होने के बावजूद पुलिस रसीद को फाड़ देती है, जिससे ट्रांसपोर्टर्स को खासा नुकसान हो रहा है। अब ट्रांसपोर्टर्स की इस हड़ताल को दूसरे जिलों के ट्रक चालकों का भी समर्थन मिल रहा है। जांजगीर चांपा में क्रशर कारोबारियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। अकलत्रा क्षेत्र के 108 क्रशर संचालकों ने NH-49 पर चक्का जाम कर प्रशासन पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। क्रशर व्यवसायियों का आरोप कि NH-49 के निर्माण में ठेकेदार बिना रॉयल्टी के गिट्टी, रेत और दूसरी सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है और इसमें प्रशासन का भी सहयोग है, जिसमें उनका व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो गया। क्रशर संचालकों ने 1 फरवरी से गिट्टी उत्पादन और बिक्री बंद कर दिया और ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। संचालकों का आरोप है कि एक और शासन गुणवत्ता युक्त निर्माण का ढिंढोरा पीट रहा है, दूसरी ओर स्थानीय बेरोजगारों की उपेक्षा कर ठेकेदार को संरक्षण दे रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों से बंदूकों के साय में वसूली की जा रही है। बिजली विभाग की 35 सदस्य टीम बंदूकधारी जवानों के साथ सुबह से ही वसूली करने के लिए निकल जाती है और बकाया बिलों की वसूली करती है। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी बकाया वसूली के नाम पर उनकी मोटरसाइकिल, पंखे, डिश, एंटीना, तौल कांटे समेत जरूरी उपकरण जब्त कर रही है। ऐसे में मजबूर होकर किसान कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। शनिवार को भावगढ़ थाना क्षेत्र के कई गांवों में सामने आया। बिजली विभाग की 35 सदस्य टीम ने किसानों पर कुर्की की कार्रवाई की। इन लोगों ने 4 किसानों की बाइकें जब्त की।